बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट कामरान हैदर और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल ठीक है कामरान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से किस तरह जो है एक अच्छा यूट्यूब के लिए थंबनेल तैयार कर सकते हैं, या अपनी पिक्चर के ऊपर आप अगर यूट्यूबर नहीं है तो आप कुछ राइटिंग करना चाहते हैं, कुछ पोइट्री करना चाहते हैं, नाम लिखना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल में किस तरह करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह आप जो है थंबनेल क्रिएट करना है। जी तो दोस्तों, अब हम आ गए हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे। तो इधर हमको क्या करना है, इधर हमको दो काम करने हैं। इधर हमको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो हम बहुत ही आसानी के साथ जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो अपना प्ले स्टोर खोलें। प्ले स्टोर खोलने के बाद इधर आपने जो है वो सिंपली लिखना है जो है पिक्स आर्ट पहली एप्लीकेशन। आपने पहली एप्लीकेशन पिक्स आर्ट लिखेंगे तो आपके सामने जो है बहुत सी एप्लीकेशन जो है वो आ जाएंगे, लेकिन आप ये याद कर लें आपने सिर्फ यही वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। मैंने पहले से कर रखी है। तो इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन जो आपने करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी एप्लीकेशन आपने करनी है ईजी उर्दू के नाम से। तो जैसे आप ईजी उर्दू लिखेंगे तो सेम उसी तरह इधर भी बहुत सी एप्लीकेशनें आ जाएंगी, तो आपने ये वाला जो है डाउनलोड कर लेनी है। तो इन दोनों एप्लीकेशनों को डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये जो इजी उर्दू वाली हमने ऐप डाउनलोड की है आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे थोड़ा वेट करेंगे तो अभी ये खुल जाएगी। तो ये देख सकते हैं वेलकम कर दिया आपके मोबाइल में, पहली दफ़ा खुलेगी। तो ये आपसे अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, तो आपने उसको परमिशन दे देनी है कि ये ऐप आपके मोबाइल में वर्क कर सकती है। तो ये नीचे आप देख सकते हैं येलो डिब्बे में लिखा हुआ है इनेबल इजी उर्दू, तो आपने इसको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी कीबोर्ड्स हैं वो सारे आ जाएंगे। तो आपने इजी उर्दू को दो दफ़ा जो है आपसे ओके का ऑप्शन मांगेगा, आपने दो दफ़ा ओके कर देना है और फिर से बैक का बटन जो है दबा देना है। ये एरो पे दबा के आपने बैक चले जाना है। इधर आपने फिर वेट करना है, ये नीचे आपको नज़र आया सिलेक्ट ईजी उर्दू, तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये आपको नज़र आ गया चेंज कीबोर्ड। तो आपने चेंज कीबोर्ड करके इस तरह इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये दो काम करने के बाद आपने ये ऐप जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर देनी है। अब आपने दूसरी ऐप जो हमने डाउनलोड की पिक्स आर्ट के नाम से, उसको जो आपने खोल लेना है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आपके सामने जो है ये ऐप कुछ इस तरह से खुलेगी। तो उसके बाद अभी आपको एक प्लस का आइकन नज़र आएगा, जैसे ही वो खुलता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने उस प्लस के आइकन को सिंपली जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही ये प्लस का आइकन हमारे सामने आया है तो आपने इसको जो है क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, और हमने इधर कोई काम नहीं करना, सिर्फ प्लस के आइकन को ही क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक इसको करते हैं तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह आपके मोबाइल की जो भी गैलरी है उसके अंदर जो जो भी है वो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो इधर आपने क्या करना है, इधर आपने सिंपली नीचे करते आना है। तो इधर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा पिक्स कैनवस के नाम से, ये नज़र आएगा तीसरे नंबर पे, ये बना हुआ है पिक्स कैनवस। तो आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे कुछ आ जाएगा। तो इधर दोस्तों एक बात बहुत ही गौर करने की है कि जो लोग यूट्यूब के लिए जो है थंबनेल तैयार करते हैं उसका साइज़ जो होता है वो 1280x720 होता है। तो इधर आपने साइज़ को लाजम याद रखना है। इधर आप साइज़ चेंज भी कर सकते हैं, किसी पे भी आप किसी शेप पे भी आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमको 1280x720 करना है। तो इस पे क्लिक करके आपने एरो को दबा देना है, ये जो पिंक कलर का नज़र आया आपको। जैसे आप दबाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी। तो हमने इधर काम नहीं करना, हम एक दफ़ा फिर एरो को आगे को जाने के लिए दबाएंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, सेव एंड शेयर और दूसरा एडिट इमेज। तो हमको एडिट करना था, एडिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह खुल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको राइट साइड पे इसके सारे जो फंक्शन वगैरह हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इधर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा वर्क करके इस पर कि आपने किस तरह काम करना है। तो मैं सिंपली ये ऐड फोटो पे जो है क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरी गैलरी के जितने भी फ़ोटो हैं वो सारे खुल के मेरे सामने आ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा कि एक येलो कलर लेते हैं, इसको जो है आप सिम इजीली जो है गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कलर को आप जो है इधर से छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना आप करना चाहें, ठीक है। तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिधर आपने इसको लगाना है उस जगह पे जाके आपको जो लेफ्ट साइड पे जो तीर नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने वो एडजस्ट हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, इधर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो उधर उसके लिए मैं ये टेक्स्ट पे जाऊँगा। टेक्स्ट पे जैसे ही गया तो हमारे सामने हमारा कीबोर्ड आ जाता है। तो कीबोर्ड जैसे ही खुलता है मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे लिखना है। तो ये दोस्तों कीबोर्ड आ गया। अब मैं इधर इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, उर्दू में भी लिख सकता हूँ। तो मैं अभी आपको उर्दू में लिख के दिखाता हूँ। ये तो दोस्तों ये मेरे सामने आ गया, तो मैं अभी इधर आपको लिख लिख के देता हूँ।
जैसे कि मैं लिखता हूँ, सॉरी ये देखो मैंने लिखा बेरोज, बेरोजगार, अफराद, रोजगार अफराद। जी तो दोस्तों बेरोजगार अफराद के रोजगार अफराद के लिए, ठीक है दोस्तों, बेरोजगार अफराद के लिए ये मैंने किया। तो जितना आपने लिख लिया उस पे आपने सिंपली क्या करना है, इधर डन कर देना। जैसे आप डन करेंगे तो ये आपका जो सारा लिखा हुआ है ये उधर आ जाएगा, ठीक है। ये तो दोस्तों ये हमारे सामने आ गया, ये वाइट है तो वाइट की वजह से वाइट कलर उसके ऊपर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो इधर आपने क्या करना है, ये आपको कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको कलर के ऑप्शन से कलर इसका चेंज कर सकते हैं जो सा भी आपने कलर करना हो। तो मैं इसका कलर चेंज करके जो है वो ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसका कलर आप चेंज करके ब्लैक कर सकते हैं इस तरह से, तो ये टिक करके इसको सिलेक्ट कर लें। तो दोस्तों इस तरह मैंने जो आपके सामने अभी लिखा ये आ गया, इसको आप खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ये पूरे पे सिलेक्ट कर दिया। तो इधर आपको ये नज़र आ रहा है ऑप्शन जो है वो फॉन्ट का, तो आप इससे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसकी लिखाई जो है उसको किसी भी स्टाइल में जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर जो है आप इसको भी दबा के इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, तो आपके जितने भी फॉन्ट है वो आ जाएंगे। तो जो मुझे अच्छा लगता है ये जमील नूरी का ये बेहतर है, तो आप इस पे सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर जो है ये एक और इसमें ऑप्शन आता है ये आप देख लें स्ट्रोक का, तो इसके ऊपर आप स्ट्रोक कर सकते हैं, कोई भी कलर आप इस पे जो है दे सकते हैं, यानी कि जो साइडों पे इसके आ जाता है कलर, तो इस पे ये कलर लगा के चेक करते हैं कैसा लगता है। तो दोस्तों देखें वो उसके ऊपर मैंने थोड़ा लगा दिया, ठीक है। इसके बाद आपने ये टिक पे क्लिक कर देना है अपना पूरा करने के बाद, तो ये कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है। उसके बाद आप अगर कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे इधर हम एक फ़ोटो ऐड कर देते हैं, ठीक है। फ़ोटो ऐड करते हैं, फ़ोटो ऐड करने के बाद जो है इधर थोड़ा कुछ और लिखते हैं, जैसे ये इमरान खान साहब की जो फ़ोटो है वो लगा देते हैं। तो फ़ोटो को आप छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। इधर आपने लगाना हो इसको छोटा बड़ा करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इधर आपने फिर से टिक पे कर देना, जो भी आपने काम करना है टिक पे कर देना है, ठीक है। तो इधर इस तरह आप अपना जो है तैयार कर सकते हैं। इधर कुछ और लिख देते हैं, इधर जैसे हम लिखते हैं अभी, सॉरी वो हो गया, गलत हो गया। इधर आप इसको क्रॉस से वापस भी जा सकते हैं, ठीक है। इधर आप जो है टेक्स्ट पे जाके इधर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे बेरोजगार अफराद के लिए हुकूमत का बड़ा ऐलान, पूरे पाकिस्तान से अभी अप्लाई करें, कुछ भी ये मैंने जो पहले लिखे हैं, जैसे मैं ये लिख दें पूरे पाकिस्तान से अभी अप्लाई करें, तो इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। आपने उसी तरह लिख लेना जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो इसका कलर सेम उसी तरह चेंज कर लेते हैं। इधर मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ, रेड मुझे लगता है इधर खूबसूरत लगेगा थोड़ा, तो सिलेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये रेड कलर उसको दे दिया थोड़ा, ठीक है। तो इसको ऐसे आप इधर कहीं भी ला कर रखेंगे और टिक का निशान लगाएं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान से अभी अप्लाई करें, ठीक है। इतना चाहें उसको लिख के अच्छे से सेट करके जहाँ जहाँ आपको सही लगे अपने माइंड से। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपको ये जो वाइट नज़र आ रहा है एरो लेफ्ट साइड पे, आपने इसको सिंपली जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपने इसको सेव करना है या शेयर करना है। इधर आप इसको अगर शेयर पे क्लिक करेंगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और दूसरी जगह पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इसको जो है सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने इसको गैलरी में सेव करना है, तो ये आपको गैलरी का ऑप्शन भी दे देगा, ये आपको ऑप्शन दे रहा है। तो आपने ये नीचे आप पढ़ सकते हैं तीसरे नंबर पे सेव पिक्चर ऑन योर डिवाइस, तो आप इसको डिवाइस पे करके ये जो ऊपर आपको डन का ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर डन कर दें, तो ये जो ही आपने पिक्चर बनाई है ये आपके जो गैलरी में है वो सेव हो गई है। तो अभी आप इसको अपनी गैलरी में जाके देख सकते हैं कि आपने जो अभी बनाया वो किस तरह जो है वो सेव हो गया, ठीक है। तो हम अभी जो है वो गैलरी में जाके देख लेते हैं, ठीक है। तो गैलरी ओपन करते हैं,
तो ये देख लें, अभी जो हमने तैयार की वो हमारे सामने जो है वो पिक्चर आ गई है, कामयाब नौजवान प्रोग्राम फेज 2, हुकूमत का बड़ा ऐलान। तो दोस्तों इस तरह आप जो है अपने YouTube की वीडियो के लिए थंबनेल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद।